नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के इस प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्ष डिप्लोमा में मैं मनोज ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिक्षक होना ही एक गौरव की बात है और शिक्षक की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अध्यापक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। अप्रशिक्षित शिक्षक एक शिक्षक के बहुत से गुणों को साकार करने की जागरूकता से वंचित रह जाते हैं। अध्यापन एक ऐसा पेशा है जिसमें प्रारूप अनुभूति और गुणों को सजाने के कौशल का विकास अपेक्षित है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न घटक हैं। मैं 502 प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं पर चर्चा करूंगा। आइए पहले आपको पाठ्यक्रम का प्रारूप मैं बता दूं। पाठ्यक्रम में क्षेत्र आधारित सत्रीय कार्य होंगे, शिक्षण कौशल का विकास करना होगा, विद्यालय के विषयों के सिद्धांत एवं शिक्षण अभ्यास का समंजन, शिक्षा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों और उपगम को समझना, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों को समर्थ करना। अभी मैंने पाठ्यक्रम के प्रारूप के बारे में बताया, अब मैं आपको विषय संबंधित जानकारी दूंगा। सभी शिक्षा शास्त्रीय प्रयासों का मूल है सीमित विद्यालय परिस्थितियों में बच्चों की गुणवत्ता समृद्ध करना एवं उनके अधिगम अनुभवों का विस्तार करना। इस शिक्षा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ शिक्षक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य बनाना एवं सरलीकरण करना भी है। यह पाठ्यक्रम अग्रदर्शी शिक्षकों को शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं की शुद्धता के साथ सुसज्जित करने पर लक्षित होगा, ताकि वे विभिन्न संदर्भों में प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीके एवं रणनीतियां चुन सकें। यह विपरीत परिस्थितियों में बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, जिसके आधार पर वे शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में उपयुक्त बदलाव करने का उत्तरदायित्व ले सकेंगे। शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन शिक्षकों को बच्चों के विशिष्ट संदर्भ के साथ विद्यालय विषयों और अधिगम प्रक्रिया को समझने में समर्थ बनाएंगे। इस विषय के विशिष्ट उद्देश्य कक्षा कक्ष विद्यालय परिस्थितियों में बच्चों को सीखने के तरीके और उनकी प्रकृति को समझने में शिक्षकों की सहायता करना, तर्क करने तथा अधिगम प्रक्रिया और शिक्षा शास्त्रीय आचरण की समझ के लिए शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना, बच्चों के अधिगम के प्रभावी सरलीकरण के लिए उपयुक्त तरीकों एवं रणनीतियों को चुनने एकीकृत कर प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को समर्थ बनाना, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने तथा उनको कक्षा कक्ष अधिगम की प्रोन्नति में प्रभावी प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षकों को स्वतंत्र करना, कक्षा कक्ष के अंदर और बाहर अधिगम प्रक्रिया के समृद्धि के लिए ICT द्वारा उपलब्ध विभिन्न यंत्रों एवं तकनीकों से शिक्षकों को अवगत कराना। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस विषय में कुल 4 खंड हैं और सभी खंडों में 4 इकाई हैं। खंड 1 अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया। इकाई 1 विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम और शिक्षण। इकाई 2 शिक्षण एवं अधिगम के उपागम। इकाई 3 शिक्षण और अधिगम की विधियां। इकाई 4 शिक्षार्थी और अधिगम केंद्रित उपागम। खंड 2 अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रबंधन। इकाई 5 कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंध। इकाई 6 शिक्षण एवं अधिगम सामग्री। इकाई 7 बहुकक्षा और बहुस्तरीय स्थितियों का प्रबंधन। इकाई 8 अधिगम क्रियाओं का नियोजन। खंड 3 कक्षा कक्ष अधिगम में उभरते मुद्दे। इकाई 9 समेकित एकीकृत अधिगम और शिक्षण प्रक्रियाएं। इकाई 10 अपवंचित शिक्षार्थियों हेतु संदर्भित अधिगम प्रक्रियाएं। इकाई 11 अधिगम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इकाई 12 कंप्यूटर स अधिगम। खंड 4 अधिगम मूल्यांकन। इकाई 13 निर्धारण तथा मूल्यांकन के आधार। इकाई 14 अधिगम एवं निर्धारण। इकाई 15 आकलन के उपकरण एवं युक्तियां। और अंतिम इकाई आकलन के परिणामों का उपयोग करके अधिगम को बेहतर बनाना। मुझे उम्मीद है आप सभी इन खंडों और इकाइयों को समझ पाए होंगे। अंत में आप सभी इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।